हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल पे। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो है बोडो मिक्सचर की जो स्प्रे पौधों में आजकल की जाती है, किस तरह से उसको बनाते हैं, क्या क्वांटिटी रहती है, जो नीला होता है और चूना है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से स्प्रे करनी चाहिए। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, जब भी हम बोडो मिक्सचर की जो स्प्रे करते हैं उसके लिए जो है चूने की मात्रा रहती है 2 kg, और नीला तोता जो है वो भी रहेगा 2 kg। अगर आपने जो है स्प्रे इसकी करनी है तो 200 लीटर पानी में जो है आप 2 किलो जो चूना है और 2 किलो नीला तोता लीजिए, उसकी जो स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे करने से पहले कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान आप लोग रखें। सबसे पहली बात तो ये है, चूने को सबसे पहले आपने अलग से किसी बर्तन में घोल देना है। 5 लीटर में आप उसको घोल लीजिए, उसी 200 लीटर पानी में से 5 लीटर आप एक बाल्टी में निकाल लीजिए, 5 लीटर दूसरी बाल्टी में, 2 बाल्टियों में आप 5-5 लीटर ले लीजिए। नीला और चूना जो है आपने अलग अलग दोनों बाल्टियों में जो है मिला देना है, अच्छे से उसको घोल देना है, क्योंकि नीला धोता में थोड़ा टाइम लग जाता है घुलने में, चूने में भी अच्छे से आप उसको घोल दे। और फिर आपने क्या करना है कि दोनों बाल्टियों को लेके जो आपका ड्रम है उसको, एक बाल्टी को 2 बाल्टियां इकट्ठी लेके उन दोनों को हवा में जो है मिक्स करना है, दोनों मतलब एक साथ उनको मिक्स नहीं करना पानी में, पहले उन दोनों को जो है आप हवा से आपस में मिलाए, ताकि जो है वो आपस में एयर में थोड़ी मिक्स हो जाए, जिस वजह से जो है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक बनता है। और दूसरी बात जो रही वो है कि कैसे चेक करें कि जो आपका स्प्रे है वो ठीक है या नहीं है। अगर आप किसी लोहे की चीज़ को ले लीजिए, उसको थोड़ा जो है कंसी वगैरह से पैना कर लीजिए, उसमें चमक देखे आप, जैसे चमकता है जब हम किसी भी चीज़ को तेज़ करेंगे तो वो उसमें चमक आती है। किसी प्रे को ही ले लीजिए और उसको आपने उसमें जो है डिप करना है ड्रम में जो आपने मिक्सचर बनाया है, और उसमें डिप करने के बाद आप देखें, अगर उसमें जो है कुछ देर के बाद जंग आना स्टार्ट हो जाता है उसमें रख के, तो समझ लीजिए जो आपका मिक्सचर है वो ठीक नहीं बना है। अगर वो वैसा ही रहता है, चमक उसकी बनी रहती है जो आप, तो आपका जो मिक्सचर है वो सही से बन गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमें इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आप कोशिश करें कि 15 जनवरी से पहले पहले जो है बोडो मिक्सचर की स्प्रे कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।